और अब बात AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने महाराष्ट्र की चुनावी रैली में एक बार फिर 15 मिनट का जिक्र किया। सोलापुर के चुनावी मंच पर ही पुलिस की नोटिस का तमाशा बनाने लगे, लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना? 15 मिनट। पहले 15 मिनट का जिक्र, फिर गुस्ताखी होने की एक्टिंग। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? 15 मिनट है। वेरी सॉरी। सवाल है कि 15 मिनट का जिक्र कर ओवैसी बार बार किसे डराते हैं? 15 मिनट की बात कर क्या भड़काते हैं? AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल तब उठने लगे जब महाराष्ट्र के सोलापुर में पुलिस ने मंच पर ही ओवैसी को भड़काऊ भाषण देने से बचने का नोटिस थमा दिया। इस पर तंज कसते हुए ओवैसी ने फिर 15 मिनट का जिक्र किया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? 15 मिनट है। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45, देखो 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। ओवैसी ने 15 मिनट को चुनाव प्रचार के टाइम खत्म होने में 15 मिनट बाकी होने से जोड़ दिया। साथ ही सोलापुर पुलिस के नोटिस पर अपने चिर परिचित अंदाज में तंज कसने लगे। इसमें क्या लिखे, अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, लिटिल लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। लीगल, लीगल की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। आई एम ओनली करेक्टिंग यू। अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में M खा गए आप, रिलीजियस में G खा गए आप। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। ओवैसी ने पुलिस नोटिस को मंच से पढ़ा और तमाशा बनाने लगे। हालांकि उन पर आरोप भड़काऊ भाषण का है और भड़काऊ भाषण को लेकर उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी घिरते रहे हैं। आपको अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान भी सुनाएंगे जिसमें उन्होंने एक बार फिर 15 मिनट का जिक्र किया था। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि सोलापुर पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी को जो नोटिस दिया है उसमें उन पर क्या आरोप लगाए हैं। पुलिस ने जो ओवैसी को नोटिस दिया है उसमें लिखा है कि ओवैसी अपने भाषण में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल न करें, ऐसा भाषण ना दें जिससे किसी की भी समुदाय की भावनाएं आहत हो। पुलिस ने ये नोटिस BNS की धारा 168 के तहत जारी किया है, लेकिन नोटिस मराठी भाषा में था इसलिए ओवैसी ने अंग्रेजी भाषा में नोटिस मांगा, जिस पर पुलिस ने ओवैसी को उनके मेल पर नोटिस की अंग्रेजी कॉपी भेजी। असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर भी भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगते रहे हैं। असल में 15 मिनट वाली टिप्पणी 12 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने की थी। अकबरुद्दीन ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कि कौन ताकतवर है। इसके बाद कुछ दिन पहले भी उन्होंने 15 मिनट का जिक्र किया। सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था। Yeah!